बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं अनुभारे की खट्टी मीठी चटनी, जो कि शादियों पे बनती है। अनुभारे की चटनी बनाने के लिए हमने 250 ग्राम खुश्क आलूबुखारे लिए थे और 250 ग्राम हमने खुश्क खुबानियाँ ली हैं और इनको 2 गिलास पानी में 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। आप चाहें तो इनको 6 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे जिसमें हमने चटनी बनानी है और ये पानी हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद हम इनमें से गुटलियाँ निकाल लेंगे। हमने आलू बुखारे की गुटलियाँ निकाल ली हैं, आप चाहें तो इसे गुटलियों समेत भी पका सकते हैं। अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। पैन को हमने चूल्हे पर रख के फ्लेम ऑन कर दिया है और ये आलू बुखारे और खुबानियाँ हम इसमें डाल देंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे हम इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। पानी में बॉयल आ चुका है, अब हम इसमें 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल देंगे और इसमें हम 1 कप चीनी डालेंगे। तकरीबन ये 200 ग्राम बनेंगे। इसको हम मिक्स करेंगे और इसके ठीक होने तक इसको पकाएंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून सुरख मिर्चों का पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून सिरका डालेंगे। एक चुटकी हम इसमें रेड फूड कलर डालेंगे। कलर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें वरना मत डालें। अब हम इसको मीडियम लो फ्लेम पे ठीक होने तक पकाएंगे। 15 मिनट हो गए इस चटनी को मीडियम हाई फ्लेम पे पकते हुए। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून किशमिश डालेंगे, 1 टेबलस्पून चार मग्स डालेंगे हम इसमें। अब ये आलू बुखारे खुबानियाँ जो हैं इनको हम थोड़ा थोड़ा मैश कर लेंगे ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए और हमारी चटनी ठीक हो जाए। हमने इनको मैश कर लिया है, अब हम इन्हें 5 मिनट के लिए और पकाएंगे हाई फ्लेम पे। ये आलू बुखारे की हमारी खट्टी मीठी चटनी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तैयार है हमारी आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई है, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।